हमारे अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों की बैठक रखी है, जिसके अंदर उस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग ले आने के लिए, अधिक से अधिक साथियों को ले जाने के लिए। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। हमारे महबूब नेता, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब, मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जहाँ तक सवाल है अजमेर ज़िले का, राजस्थान ही पसंद करता उनको, लेकिन अजमेर ज़िले के गांव, डाड़ी, गली, मोहल्ले, शहर सब जगह पायलट साहब को पसंद करने वालों का ज़बरदस्त उनमें उत्साह है। तो आज हम शहर कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ पीले चावल बांटने आए हैं कि पायलट साहब की उस सभा में, क्योंकि लोग अगर अकेले ही कर लेंगे तो लोग नाराज़ होंगे कि हमें क्यों नहीं बोला। और अजमेर ज़िला पायलट साहब के भी मन में है और अजमेर ज़िले की जनता के मन में भी पायलट साहब की छवि है, इसलिए आज किसान सम्मेलन की तैयारी के लिए आए। ओके, किसान सम्मेलन विजयनगर में होने जा रहा है, जिसका आगाज हमारे मसूदा के विधायक राकेश पारिक जी द्वारा कर दिया गया है। आज यहाँ हमारे अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों की बैठक रखी है, जिसके अंदर उस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग ले आने के लिए, अधिक से अधिक साथियों को ले जाने के लिए सभी ने आश्वासित किया है। और हज़ारों की संख्या में अजमेर से जो है विजयनगर के लिए लोग भाग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आगामी 24 तारीख के होने वाले किसान सम्मेलन को सफल बनाएंगे, पायलट साहब के हाथ मजबूत करेंगे। पायलट साहब राजस्थान के नहीं अपितु पूरे देश के नेता हैं। हर युवा हो, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग पायलट साहब का चाहता है, पायलट साहब को हर वर्ग चाहता। राजस्थान के महबूब नेता, अजमेर के पूर्व सांसद, पूरे अजमेर ज़िले के अंदर एक नया जोश, एक नई उमंग, एक ललक है कि अपने नेता का स्वागत करने की। और जब नेता का स्वागत करने का बेड़ा राकेश पारिक जी ने उठाया है, मसूदा भाग्यशाली है जिनको उनको मौका दिया। तो हम लोग जब ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा हो, नेता हमारे अजमेर से मसूदा में आएँ और अजमेर शहर की इसमें भागीदारी नहीं हो, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अधिक संख्या के अंदर लोग बसों के अंदर भर के जाएंगे, फोर व्हीलर में जाएंगे और जाके अपने महबूब नेता का स्वागत करेंगे। और याद रखना, उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत होगा जो 11 तारीख के दिन उस दिन रहने के बड़े लावता फार्म हाउस पर हुआ था, वो भी वो से 100 गुना ज़्यादा बड़ा होगा हमारा सम्मेलन। और आपको लगेगा कि अजमेर का जो नेता यहाँ जो आया, क्योंकि अजमेर के नेता के प्रति सब लोगों को उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं और उसमें उम्मीद देख रहे हैं आने वाले राजस्थान।